अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे नए व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं सीख कबाब। चलिए शुरू करते हैं सीख कबाब की रेसिपी। सबसे पहले हमको 1 किलो कीमा ले लेना है, जिसमें 150 ग्राम फैट रहेगा और 850 ग्राम लगभग गोश्त रहेगा। मसाले में हमको लेना है ज़ीरा 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च पिसी हुई 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च 1/2 टीस्पून और गरम मसाला 1/4 टीस्पून। और ये नमक है, नमक भी 1 टीस्पून लेना है। ये 3 से 4 प्याज हैं, उसको थोड़ा पीस कर उसका पानी निकाल दिया है अच्छी तरह से। और ये लहसुन और 5-6 हरी मिर्च, ये सब चीज़ों को इसमें डाल के और अच्छे तरह से इसको मिक्स कर लेना है। इसमें थोड़ा सा सोडा भी ऐड कर लेंगे, मीठा सोडा। इसको बिल्कुल अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है, जिसमें सारा मसाला पूरा मिल सके और ये बिल्कुल सॉफ्ट अच्छे से हो सके। कीमे को हमने अच्छे तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको लगभग आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और उसके बाद इसको सेकेंगे। अब हम लोग आए हैं यहाँ पास पेटीज खाने के लिए, और लगभग आधा घंटा पेटीज खाने में हम लोगों को हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा कीमा पूरी तरह से तैयार है और अब आग जलाते हैं। आग अब अच्छे से जल चुकी है और अब कबाब लगाने की तैयारी करते हैं। हमारी आग जल चुकी है और अब रखते हैं इसको सूख। तो एक चीज़ का ध्यान इस पर देना है कि बार बार इसको पलटते रहना है ताकि चारों तरफ से अच्छी तरह से ये पक सके। और अभी से इसमें खुशबू बहुत बढ़िया आने लगी है। फैट इसमें पहले से ऐड था, इसलिए कोई तेल वगैरह या कोई चीज़ ऐसी नहीं लगाना है इस पर, क्योंकि देखिए पहले से इतना जूसी समझ में आ रहा है। तो इसको बनाने में एक प्रॉब्लम ये लोगों के साथ होती है कि कबाब जिस टाइम पे बना रहे होते हैं, सीख पे लगाते हैं तो सीख पे रुकते नहीं है, तो बार बार नीचे गिर जाते हैं। प्याज को जब पीसना है तो उसका पूरा पानी निचोड़ देना है, और जितनी भी चीज़ इसमें लगनी है पानी का बिल्कुल यूज उस पर नहीं रहेगा। और कीमा करने के बाद धोना नहीं, पहले से ही गोश्त को धो लीजिए उसके बाद कीमा करिए, क्योंकि कीमा अगर आप फूटने के बाद करेंगे तो उससे पूरी तरह से पानी हट नहीं पाएगा, तो इस वजह से फिर वो बार बार उसमें टपकने की, गिर जाने की दिक्कत आती है। अब कबाब हमारे पूरे अच्छे तरह से हो चुके हैं, और इनको निकालने के लिए क्या करना होगा, एक बार इधर से थोड़ा सा पुश करेंगे, एक बार इधर से पुश करेंगे, और फिर बीच से ऐसे पकड़ के आराम से ये निकाल लेंगे। अब तैयार हैं, अच्छी तरह से निकल चुके हैं। चलिए अब इनको टेस्ट करते हैं, चलिए अब इनको अब ट्राई करते हैं। कितना आराम से टूट गया, देखिए एकदम सॉफ्ट है। बहुत ज़्यादा जूसी भी है और फ्लेवर भी बहुत अच्छे से आ रहा है इसका। कैसे हैं, कुछ समझ में आ रहा है आपको खा के? बहुत बढ़िया बने हैं कबाब। टेस्ट अच्छा है? बहुत अच्छा है टेस्ट। अली भाई को हमारे बहुत ज़्यादा पसंद आया है ये। बाहर से क्रिस्पी है, अंदर से मुलायम है। आप लोग भी एक बार ट्राई इसको ज़रूर करिएगा। सीख कबाब वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था। आप लोग एक बार इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और इस वीडियो को यहीं पास एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।